कोई सामान की जरूरत होगी तो दो तीन लोग हमारे तय ये जाएंगे ले आएंगे और सबको बांट देंगे। मुझे लगता है इस स्तर का जनजागरण करना पड़ेगा क्योंकि जिस तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वो बहुत अप्रत्याशित है। मैं डरने की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो आखिरी सांस तक काम करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अवेयरनेस के बिना काम नहीं चलने वाला और जनता के साथ के बिना काम नहीं चलेगा। और इसलिए सब अपील करें कि रहवासी संघ, कॉलोनी, मोहल्ला कमेटी ये कैसे प्रेरित हो सकती है कि हमें 15 दिन नहीं निकलना काम अपने घर से। मैं प्रदेशवासियों से एक अपील जरूर करना चाहूंगा, कई जगह कोरोना कर्फ्यू लगा है, जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मिलकर लगाया है, जनता की भावनाओं के अनुरूप ये स्थिति ऐसी है जिसका सामना पहले देश और दुनिया ने कभी नहीं किया। हम कसर नहीं छोड़ेंगे लेकिन संसाधनों की सीमा होती है, इसलिए बेहतर यह है कि सब अपने स्तर पर कोशिश करें कि संक्रमण बढ़ने से रुके। इसलिए मैं ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि अपने अपने गांव वो बैठ के तय करें कितना शहर जाना है कितना नहीं जाना है, जरूरी नहीं होता अभी नहीं जाए, अवॉइड करें नहीं जाए। शहरों में रहवासी संघ तय कर सकते हैं, कॉलोनी तय कर सकती है कि हमारी कॉलोनी से कोई अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएगा। यह संयम रखने का समय है और सबको साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए मोहल्लावासी, जिम्मेदार नागरिक, कॉलोनी के लोग, रहवासी संघ, अलग अलग जितने संगठन हैं, मैं कल से अभियान शुरू कर रहा हूं, सब संगठनों से बात करूंगा अलग अलग। अब कोविड केयर सेंटर चलाने के लिए मैं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अपील करूंगा कि वायर कोविड केयर सेंटर चलाएं, जहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगना है, किट रहेगा, और एकदम जिनके लक्षण नहीं है ऐसे पेशेंट्स अगर घर में होम आइसोलेट नहीं हो सकते तो वहां रह लें। पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रशासन काम नहीं करेगा, जी जान लगा देंगे, जब तक सांस है तब तक मैं काम करूंगा, लेकिन व्यापक रूप से जनता के सहयोग की जरूरत है इसमें। और इसलिए समाज से भी, स्वयं से भी संगठन निकले, मुझे खुशी है कि कोरोना वॉलंटियर सब निकल रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, स्वास्थ्य आग्रह के समय जो हमें मिले थे जिन्हें अपने आप को रजिस्टर कराया। और मीडिया के मित्रों से भी अपील है कि स्थिति संकटपूर्ण है लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जन जागरूकता पैदा करने में और जनता में विश्वास बनाए रखने में कृपया करके सहयोग कीजिए।